जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं अपना नहीं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं रोशन नागर जी के बारे में। बचपन में पतंग उड़ाने का शौक किन्हें नहीं होता, लेकिन इनकी बदकिस्मती ये रही कि इनके छत के ऊपर से 36,000 KV की बिजली की लाइन जा रही थी। एक दिन पतंग कटकर आई और उस लाइन में उलझ गई। जब ये पतंग उतारने लगे तो इन्हें बिजली का झटका लगा और इनके हाथ पैरों का खून सूख गया। मजबूरन डॉक्टरों को इनके दो हाथ और एक पैर काटने पड़े, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये लगातार आगे बढ़ते चले। इन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया और आज ये एक अच्छे लेखक और एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्हें कई सम्मानों और अवार्डों से नवाजा जा चुका है। ये अपने कंधे पर पेन बांध कर लिखते हैं और इन्होंने हाल ही में एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है ख्याल। चलिए दोस्तों, चलते हैं रोशन नागर जी के पास। मैं हूं तुषार, आप देख रहे हैं इंडिया स्प्राइड। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोशन नागर जी। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया स्प्राइड पर। और आज का जो हमारा वीडियो वो खास उन लोगों के लिए होने वाला है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं और हताश हो जाते हैं अपनी लाइफ से, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। लेकिन रोशन जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके साथ जो ये दुखद हादसा हुआ, ये कब और कैसे हुआ? तुषार जी, कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं जिनका दिन दिनांक समय सब हमें याद रह जाता है। 29 जनवरी 2002 मंगलवार का दिन था, जब मैं अपनी छत पर बैठा हुआ था और मेरे सामने से नीले कलर की पतंग जा रही थी। मैं वो पतंग लेने के लिए भागा और अपने पास में पड़े हुए डंडे को ऊपर उठाकर उसको लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी बदकिस्मत थी कि वो डंडा उस पतंग तक पहुंच नहीं पाया। हर ब्रांड के अंदर मैंने वही बड़े लोहे के सरिये को उठा लिया। सरिये उठाने के बाद में हमारे छत के पास से 36 KV वोल्ट की हाई टेंशन लाइन जा रही, जिससे उस सरिये ने अर्थिंग बना ली। अर्थिंग बनाते ही मैं छत पर बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय बाद में जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था और तब डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन तक वेट करते हैं कि इसके जले हुए हाथों के अंदर खून का दौरा फिर से स्टार्ट हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और मजबूरी के अंदर डॉक्टर्स को मेरी जान बचाने के लिए मेरे दोनों हाथ और एक पैर काटना पड़ा। तो आपके साथ जब ये हादसा हुआ उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग छोटी छोटी जो ट्रेजेडी हो जाती है उनके साथ, उनमें वो बिखर जाते हैं, अपने हताश होते हैं अपनी लाइफ से। तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? देखिए, जिंदगी मिलने के बाद मैंने सोचा कि यार अभी जिंदगी तो मिल चुकी है, अब जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो मुझे यही था कि यार खोने के लिए अपने पास कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मैंने सोचा कि यार जैसी भी जिंदगी मिली है कुछ करके दिखाना है, जैसी भी जिंदगी मिली है कुछ करके दिखाना है। धारा के साथ तो हर कोई बह लेता है, मेरी जिद थी कि मुझे धारा के खिलाफ बहकर दिखाना है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया आपने शेयर बोला है। और ये तब की बात है जब मैं फोर्थ क्लास में एक्सीडेंट हुआ था और शायद 9 साल या 10 साल का मैं था उस टाइम पर। 1.5 साल के ब्लड टेस्ट के बाद में मैं पैर लगवाने के लिए वहां पर विकलांग समिति गया था। वहाँ पर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने बाजू पर पेन मार कर लिखने की कोशिश कर सकते हो, तो मैंने प्रैक्टिस शुरू की। स्टार्टिंग के अंदर मुझे बहुत जबरदस्त दर्द होता था पेन बांधने में, डोरे से मैं पेन बांधता था उसमें मुझे बहुत जबरदस्त पेन होता था, लेकिन वो 5 मिनट का सफर धीरे धीरे 3 घंटे तक जा पहुँचा। और 3 घंटे का मैंने पेपर 8th 10th 12th बोर्ड एग्जाम मैंने फर्स्ट डिवीजन से क्लियर की बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम के, बिना किसी की हेल्प के। इस तरह से मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई है और वर्तमान समय में आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक के रूप में काम कर रहा हूँ और गुलशन चैरिटेबल ट्रस्ट उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया हूँ। बहुत अच्छा। और जब हमें ये भी बताइए, जब ये हादसा आपके साथ हुआ था उसके बाद लोगों का नजरिया आपके प्रति कैसा था? देखिए, कई लोग ऐसे थे जिनको ये लगता था कि अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग ज्यादा नहीं थे जिनको ये लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में ऐसे लोग ज्यादा थे जिन्हें हमेशा मेरे ऊपर भरोसा था कि ये जरूर कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो आम इंसान नहीं कर सकता। तो हमें आप ये भी बताइए कि जो आपका मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सफर है और जो आप एक लेखक हैं, वो सफर आपका कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, सफर मेरा करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था। एक आरजे मोहित को आप जानते होंगे, MyFM के वो आरजे है, उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे अपने आप को लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि मेरी जीवन की स्टोरी सुनकर
या फिर मेरे संघर्षों से कोई प्रेरणा लेकर अगर अपने जीवन में कुछ काम अच्छा करता है कोई, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और तभी मैंने साथ साथ लिखना शुरू किया और आज करीब 2 फरवरी को मेरी बुक लॉन्च हुई है ख्याल के नाम से। तो रोशन जी, आपके अब आगे लाइफ में क्या गोल है और आप क्या कुछ अलग करना चाहते हैं? देखिए, मेरी लाइफ का गोल ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता हूँ। अभी मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और कुछ अलग करने की बात करें तो मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, मुझे रेसिंग में कुछ करना है। अभी कुछ टाइम पहले SMS स्टेडियम पर मैंने 100 मीटर की रेस को 56 सेकंड में पूरा किया और मुझे इसमें कुछ करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, तो इसके लिए गोल्ड ले गया। मैंने जो अभी सर बोल रहे हैं कि उनका रेस का जो वीडियो था वो मैंने भी देखा था और सर काफी अच्छे एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, मैंने देखा है इनकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छा ये स्पोर्ट्स पर्सन एक रेसर बन सकते हैं। तो हम सब की आपके लिए दुआएं हैं कि आप देश का नाम रोशन करें। और वीडियो के अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में? देखिए, मेरा मानना है कि हर किसी के जीवन में समस्या उनके हिसाब से बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसका एकमात्र ये रास्ता नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ या कुछ गलत अपने साथ में करो। आपको समय निकलने दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम जो सोचते हैं जिंदगी के लिए, लेकिन जिंदगी उससे अच्छा सोच के रखती है हमारे, ठीक है? तो कभी जिंदगी में तो हार नहीं माननी है, कभी अपने आप को टूटने नहीं देना है, अपने सपनों को टूटने नहीं देना है। आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो जिंदगी में, आप वो महसूस करो, अपने सपनों को जीना शुरू करो। इससे आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहेगी और आप एक अच्छा आप बहुत अच्छा महसूस करोगे और अपने जीवन के अंदर अपने सपनों को एक दिन जरूर हासिल करोगे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर मैं ला सकूँ।